फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन, जिसका नाम है ब्लॉसम्स गार्डनिंग टिप्स। मैं हूं एरिक। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने एक आम के पौधे के ऊपर ग्राफ्टिंग किया था। आपका होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो हमने कहा था 45 दिनों के बाद हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे, लेकिन 45 दिनों से पहले रिजल्ट तैयार हो चुका है। तो चलते हैं आम के पौधे की तरफ। दोस्तों, ये देखिए, यही है वो पौधा, आम का पौधा, जिसके ऊपर हमने ग्राफ्टिंग किया था। लगभग 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिनों के अंदर ही हमने इसके अंदर कुछ अंकुर देखे हैं, तो बहुत ही छोटे हैं इस वक्त। प्लास्टिक को खोलना पड़ेगा, तभी हम आपको इस चीज़ को दिखा पाएंगे। ये देखिए, आपको अगर दिखाई पड़ रहा होगा तो आप देख सकते हैं, जो हरा बिंदु दिख रहा है वो ही अंकुर है। दो तीन, कम से कम मुझे तीन अंकुर दिखाई दे रहे हैं, जो शूट्स दिखाई दे रहे हैं। अभी इसके ऊपर का जो ग्राफ्टिंग टेप है, इसे हमने खोलना होगा। ग्राफ्टिंग टेप खोले बगैर हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, और वैसे भी हमें ग्राफ्टिंग टेप खोलना होगा, तभी ये अंकुर बाहर आ पाएंगे और बढ़ पाएंगे। दोस्तों, जब हमने ग्राफ्टिंग किया था, जस्ट बरसात का मौसम शुरू हो चुका था, तो मौसम बहुत ही फेवरेबल था, तो रिजल्ट इसमें बहुत ही जल्दी हम दिखा पाए आपको। नहीं तो कम से कम इस रिजल्ट के लिए हमें इस एक जो बिंदु आप देख पा रहे हैं उसके लिए कम से कम 3 से 4 हफ्ते का इंतज़ार करना होता है। इस बार ये बहुत ही जल्द 12-13 दिनों में ही ये अंकुरित हो गया है, तो इसे अभी हम बंद करके रखते हैं। दोस्तों, ये देखिए, 30 दिनों के बाद का रिजल्ट ये देखिए, ये प्लास्टिक के अंदर ही अंदर बढ़ चुका है। इसका प्रोग्रेसिव वीडियो हम आप तक लाने पाए, क्योंकि बरसात बहुत तेजी से गिर रहा था, तो शूटिंग नहीं हो पा रहा था। तो ये देखिए, 30 दिनों के बाद का रिजल्ट, हमारा ग्राफ्टिंग बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है। इसमें 3 अंकुर दिखाई दे रहे हैं मुझे, 3, एक नीचे से छोटा सा है और ऊपर 2 अंकुर है। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मैंगो ग्राफ्टिंग है 30 दिनों के बाद। जैसे ये देखिए, ग्राफ्टिंग यूनियन के नीचे जो भी ब्रांचेस आते हैं, जो भी शूट्स आते हैं, उनको हमने निकालना होगा, नहीं तो हमारा ग्राफ्टिंग बढ़ नहीं पाएगा। ग्राफ्टिंग को खाद पानी मिलना है, वो सारा जो नीचे वाला जो शूट है वो खा लेगा और हमारा ग्राफ्टिंग मर सकता है। तो याद रखें, जब भी ग्राफ्टिंग आप करते हैं, ग्राफ्टिंग यूनियन जो जॉइंट है, ये देखिए, ये ग्राफ्टिंग जॉइंट है, इसके नीचे जो भी पत्ता आता है या अंकुर आता है या डालियां आती हैं, उनको काटते रहना पड़ेगा, तब हमारा ग्राफ्टिंग सक्सेसफुली ग्रो करेगा। दोस्तों, ये देखिए, 42 दिनों के बाद का रिजल्ट, हमारा ग्राफ्टिंग, मैंगो ग्राफ्टिंग बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। ये देखिए, कितने अच्छे अच्छे नए नए पत्ते आ रहे हैं। इसे हमें अभी ज़मीन में उगाना होगा, ज़मीन में ही ये उग पाएगा, ये इतने छोटे गमले में रिजल्ट नहीं दे पाएगा, फल नहीं दे पाएगा। तो इसे कम से कम अभी 1-1.5 साल रुकना पड़ेगा, तब जा कर के हमें ये फल दे सकता है। तो ये ज़मीन में उगाने का वीडियो भी हम आप तक पहुँचाएँगे, और आपको सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया हमारा ये छोटा सा वीडियो, रिजल्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ गई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्त और मित्रों के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। बाय।